हेलो और वेलकम, आप देख रहे हैं ग्राउंड न्यूज। तो आइए चलते हैं आज की खबरों की तरफ। पीएम मोदी ने कोरोना से जूझ रहे भारत को एक बार फिर से आत्मनिर्भर होने की बात कही। कोरोना के संकट को बताया आत्मनिर्भर भारत के लिए सबसे बड़ा मौका। किसानों और छोटे व्यापारियों को आगे बढ़ाने की बात कही। देश में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर बढ़ गए। पिछले 24 घंटों में 9,996 मामले सामने आए और 357 लोगों की मौत हुई। देश में मौतों का आंकड़ा बढ़ के अब 6,102 पहुंच गया है। देश में 141,029 लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं और 137,448 लोग कोरोना संक्रमित हैं। पहली बार 50% के पार पहुंचा ठीक होने वालों का आंकड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ के 94,041 हुई। कल 24 घंटों में ही महाराष्ट्र में 3,438 केस सामने आए और 149 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 3,089 हो गई है। अब तक 44,517 मरीज ठीक हो चुके हैं और डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। दिल्ली में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 1,500 नए केस सामने आए। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ के 32,810 हुई। इनमें से 29,581 एक्टिव केस हैं जबकि 5,200 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। हालत से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर अस्पताल बनाने की तैयारी की जा रही है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक कोरोना से निपटने के लिए अस्पतालों में जल्द ही IAS और IPS अफसरों की ड्यूटी लगाए जाने की बात हो रही है। इसके लिए ऐसे अफसर लिस्ट में पहले हो सकते हैं जो सर्विस में आने से पहले डॉक्टर रह चुके हैं। लिस्ट में दूसरी केंद्रीय सेवाओं में काम कर रहे अफसरों और उनके रिश्तेदारों को भी जोड़ा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इससे कुछ मदद मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।